कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसलों से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और कामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लिया करते हैं। यदि आपको असफल होने से डर लगता है तो आप सफल होने का ख्वाब छोड़ दो। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से चाहा जाता है कि वह उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसका जीतना सुनिश्चित होता है। दोस्त, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा कि आपको किस प्रकार के लोग पसंद हैं। ईश्वर ने जवाब दिया, वे इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद भी दूसरों को माफ कर दिया करते हैं। दोस्तों, चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। आप यह अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। जिंदगी तो सिर्फ अपने दम पर ही जी जाती है दोस्तों, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। तुम्हारे अंदर अभी इस वक्त वो सब कुछ है जो दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है दोस्तों, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए, यह आपको बर्बाद कर देगा। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ निकालोगे। ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज़्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की जो अपने सपनों के लिए मर सके। मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है प्रयास ना करना। दोस्तों, अगर अमीर बनना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है तो तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे।